सीआईजी ऑर्गेनेटिव मेडिसिन में, सीआईजी होलिस्टिक अप्रोच में, सीआईजी योग में बहुत कुछ उनको क्वालिफिकेशन है। और मैं चाहूँगा कि अपनी जो लोग हैं उनके साथ उसको कनेक्ट करके अगर बोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइए स्वामी, इनका नाम है डॉक्टर भारत भूषण शर्मा जी। बच्चों की जो इन्हें गुणवत्ता है इसलिए इनका स्वामी जी के नाम पर हम बोलते हैं। नमस्कार। आज का दिन बहुत बड़ा दिन, ये बड़ा दिन इसलिए नहीं कि सिर्फ इंटरनेशनल बुगाटी है और ये एक हिंदुस्तान की जीवन शैली का बहुत बड़ा दिन है जो पूरी दुनिया ने आज माना कि हिंदुस्तान जैसे कैसे अपनी जीवनचर्या को चलता है। योग इज नॉट ओनली आसनास, इट इज नॉट ए मैकेनिकल एक्सरसाइज, इट इज अ जीवन शैली। ये हमारा पूरा जीवन इसमें है। ये जैसे डॉक्टर साहब ने अभी एक्सप्लेन किया, पूरी लाइफ योग, अगर योग को अडॉप्ट कर लें तो हमारे को पूरी जिंदगी किसी और चीज की जरूरत नहीं। इतने साल लग गए ये मैसेज कन्वे करते करते कि हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की वैदिक नॉलेज में कितना दम छम है। और एक वक्त आया जब पूरे दुनिया ने माना कि हिंदुस्तान की वैदिक नॉलेज अपने आप में एक कंप्लीट कैप्सूल है। और इसके लिए तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, जिन्होंने पूरी दुनिया के सामने ये तथ्य रखा कि वैदिक नॉलेज की शक्ति को दुनिया के सामने रखा। और इंटरनेशनल बॉडी जो रिस्पॉन्सिबल थी, दे वर बाउंड टू अडॉप्ट द वैदिक नॉलेज ऑफ इंडियन। और उस एवज में द इंटरनेशनल योगा डे की स्थापना हुई। मैं गुजारिश करूंगा आप सबको कि प्रधानमंत्री साहब के लिए एक बार ताली जरूर, क्योंकि ये योग को ही नहीं पूरी दुनिया के सामने हमारी जो संस्कृति, कल्चर, वैल्यू, हिंदुस्तान का कल्चर को पूरी दुनिया के सामने रखा और आज पूरी दुनिया इसको अडॉप्ट कर रही है। आज मोर देन 150 देशों के अंदर, जिसके अंदर मुस्लिम कंट्री सबसे ज्यादा, इस योग को कर रही है। सेकेंडली, योग एक दर्शन है, एक फिलॉसफी है, एक बहुत बड़ा ज्ञान है जिसको अगर पढ़ने लगे तो शायद एक डिफरेंट टाइप का स्टडी चलेगा। हम आप अपने आप में खुद को मोटिवेट करें कि सुबह उठ के अपने बिस्तर को, अपने एसी, अपनी नींद को छोड़ के इस खुले आसमान में आगे, यही हमारे लिए बहुत बड़ा योग है। अगर यही आप कर लो तो बहुत सारी बीमारियां इतना करने से भी दूर हो जाएंगी। यू मस्ट फील योरसेल्फ ए वेरी मोटिवेटेड कि मैं बिस्तर छोड़ के सुबह अर्ली मॉर्निंग यहां आया हूं। और इसी आने से बिलीव करना, ये बात, इसी आने से आपकी नॉट ओनली द फिजिकल प्रॉब्लम बट योर मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सोशल जो इम्बैलेंस हो रखा है वो भी बैलेंस हो जाएगा। आज जुआनों ने हेल्थ की डेफिनेशन दी कि फिजिकली अगर मैं बैलेंस हूं या फिट हूं वो हेल्दी नहीं है। There are 7 different components to have a good health, and that components are physical, mental, emotional, social, moral, and the lastly financial. Agar financially maine lastly isliye bola, if we are financially sufficient, obviously हमारी रेस्ट ऑफ दी 6 कंपोनेंट जो गुड हेल्थ या बैलेंस हेल्थ के लिए, वो सारे के सारे उसी पे डिपेंड करते हैं। अगर फाइनेंशियली कुछ गड़बड़ हो रहा है तो फिजिकल भी मेरा गड़बड़ होगा, इमोशनल भी, मेंटल भी। तो ये तनाव जो है चेंज हो जाए।
मैं एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा विच आई लव टू शेयर विद यू विच हैज हैपेंड रिसेंटली। 5 तारीख को बुढ़ापे के ऊपर भारतीय योग संस्थान जो कि बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, मैंने डायरेक्टरी है मेरे पास, मैंने वो ऑल ओवर इंडिया की डायरेक्टरी जब देखने लगा तो हिंदुस्तान का कोई ऐसी स्टेट डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां भारतीय जो संस्थान के केंद्र जहां लोग नहीं है। दे आर डूइंग सच ए वंडरफुल जॉब। ये लोगों के शारीरिक मानसिक सोशल मोरल मोटिवेशन मैंने देखा, बहुत सारी जो मन के अंदर जो जो प्रतिभा है उसको भी उजागर करने का बहुत बड़ा मंच है। मैडम साहिबा ने बहुत अच्छा भजन गाया, शायद ये इनके लिए भी एक बहुत बड़ा अपनी प्रतिभा को दिखाने का। मन के अंदर क्या है जो मन में है अगर उसको कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए शो करने का तो डेवलपमेंट जो इंटरनल डेवलपमेंट जो मानसिक या इमोशनल डेवलपमेंट वो बड़ी अच्छे से हो जाती है। एक भाटी साहब जो कि बीच में बैठे हुए लास्ट 10-15 दिन पहले सबके साथ हमारा सुबह सुबह ऐसे लेक्चर हुआ जिसके अंदर थोड़ा सा मुद्रा के बारे में हमने बात की। तो मुद्रा के जैसे लेक्चर शुरू होने लगा तो आई सेड कि सब लोग अपान मुद्रा में बैठ जाएं जिनको अनकंफर्टेबिलिटी हो रही है। कभी भी कहीं किसी दूसरी जगह पे जाओ जहां अनकंफर्टेबिलिटी है, जस्ट पुट योर मिडल टू फिंगर अटैच योर दिस थंब विद दिस टू फिंगर एंड यू विल सी विद इन अ फ्यू सेकेंड फ्यू मिनट द अनकंफर्टेबिलिटी जो आपको है वो दूर हो जाएगी। तो इन्होंने वहां पे सुना, देन इनकी फैमिली में किसी को प्रॉब्लम आई रात के टाइम, वो बड़ी रेस्टलेसनेस होने लगी, अनकंफर्टेबिलिटी हो रही थी, इनको फोन किया कि हॉस्पिटल चलना है और बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा घबराहट घुटन फील हो रही है। देन ही सेड यू डू लाइक दिस वे और 15-20 मिनट वेट करो, आधा घंटा वेट करो, अगर नहीं कंट्रोल होता तो चलो मैं आ रहा हूं, मैं आपको देख सकता। देन इन्होंने उनको बोला, उन्होंने किया एंड यू वोंट बिलीव वो कब सो गए। सुबह 8 बजे उनको याद खुली जब इन्होंने फोन किया कि कैसा रहा। एंड दे सेड कि वो करने के बाद कब मेरी आंख लग गई और सुबह मैं उठी हूं, आई एम वेरी हैप्पी। इजंट इट सो सर? सो दिस इज यू कैन अंडरस्टैंड द पावर दैट विदाउट एनी सिंथेटिक ड्रग नथिंग हैज सो फार डन। देयर इज अ नो सच ए साइड इफेक्ट ऑफ दीज काइंड ऑफ अवर वैदिक नॉलेज की जितनी सारी पद्धतियां, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे हम ठीक नहीं कर सकते। इट इज अ मैटर, इट इज यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग इन दिस वे कि मेरे से आज योगा कटी चक्र या त्रिकोण आसन प्रॉपरली नहीं हो रहा, लेकिन एक वक्त आएगा 2-4 दिन के बाद अगर मैं कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली करती रही या करता रहा ये ठीक हो जाएगा। एटलीस्ट मैं कर तो रहा हूं, मैंने कुछ किया तो है। अपने आप में जब तक मोटिवेशन नहीं होगा कोई आपको सिखा नहीं सकता, आप खुद सीखोगे यार मैं गलत कर रहा हूं, अगर मैं इस तरीके से करूंगा मैक्सिमम स्ट्रेच मेरी वेस्ट रीजन में आएगा और स्लोली एंड ग्रेजुअली मेरा जो फैट की प्रॉब्लम है, फैट डिपोजिशन की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और धीरे धीरे ये एहसास जब आप खुद महसूस करेंगे आप यू कैन डू मच मच बेटर देन एनी योगा इंस्ट्रक्टर। ओनली द थिंग इज पुट योर इमोशन विद व्हाट यू आर डूइंग, अपने दिल से करो मेडिटेशन। लो मेरे को लोग पूछते हैं मेडिटेशन व्हाट इज अ मेडिटेशन, आई यूज टू से किसी भी काम को जब आप ध्यान पूर्वक अपने दिल से अपनी इमोशन के साथ जब करते हो उसी को मेडिटेशन। अगर मैं खाना इमोशनली ध्यान पूर्वक खा रहा हूं दैट इज आल्सो ए मेडिटेशन। यूजली हमारे बुजुर्ग कहते हैं बेटा रोड पे जा रहे हो ध्यान से चलना, मोर और लेस 24 आवर
हम ध्यान में रहते हैं, जब ध्यान हटता है तब कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती है। मेरा जो आप लोगों से गुजारिश है, डू विद योर विद फुल कॉन्शियसनेस इमोशन, दिल से वो काम करो, उसी के मेडिटेशन। और ये बड़ी खुशनसीबी की बात है, और मैं कहूंगा कि हम सब के लिए ताली मारे कि एटलीस्ट उठ के तो आए, हम इस खुले आसमान में उठ के तो आए। दिल्ली के लोगों को, शहरी लोगों को सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है, आयुर्वेदा कहता है 5 तत्व से यूनिवर्स बना, 5 तत्व से हमारा शरीर बना। उसके अंदर तत्व नंबर 3 आकाश तत्व जो हमारे लोगों के बीच में कम होता जा रहा है, क्योंकि हम क्लोज डोर में रह रहे हैं। जिनका आकाश तत्व कम होता है उनकी जो थिंकिंग है वो नैरो थिंकिंग हो जाती है। आकाश इज अ वेरी ओपन वाइड थिंकिंग, ब्रॉड माइंडेड। जब आप बड़ा सोचते हो, हम बड़ा इसलिए नहीं आजकल सोच रहे क्योंकि हम अपनी अपनी छत से बाहर नहीं आते। हमें खुले आसमान पे आना बहुत जरूरी है। अगर मैं ये कहूं कि लास्ट टाइम हम में से कितने लोग नंगे पांव चले होंगे, तो कईयों को यह भी नहीं पता होगा कि नंगे पांव कब चले। ये 5 तत्वों का जब इम्बैलेंस होता है तब जाके दोष आते हैं, रोग आते हैं, बीमारियां आती हैं। और ये 5 तत्व नेचुरल चीजें हैं, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसको हम इजीली बैलेंस कर सकते हैं। यहां आगे आकाश तत्व बैलेंस हो गया, आकाश तत्व बैलेंस हो गया, आपकी जो आवाज है, आपकी सोच है, आपके मन के अंदर विचार बाहर आने से, आप घर से पार्क तक आने से ही आपके विचारों में चेंज आ जाता आता है। यू कैन हैव ए लुक ऑफ द ग्रीन लीव। 50 पौधे होंगे इस पार्क के अंदर, 50 के जो ग्रीन लीव हैं, जो पत्ते हैं, हरे पत्तों का कलर भी डिफरेंट होगा। दैट मीन यू कैन हैव ए लुक ऑफ 15 डिफरेंट शेड्स ऑफ ओनली वन कलर, दैट इज अ ग्रीन कलर। एक बहुत डार्क ग्रीन है, लाइट ग्रीन, येलो ग्रीन, स्वर्णा ग्रीन, गो ग्रीन। यू कैन फील, you can attach your mind with the nature and see the change. So this is a wonderful ki aap regular isko adopt karo, isko change karo. Iska chinta mat karna ki kab jaake main theek karungi ya kab mere se correct hoga ki nahi hoga. Correct karne ke liye, theek karne ke liye sir log hain, ye help karte hain, batate hain. Slowly and gradually adopt this method. और देखो लाइफ के अंदर कितनी सारी चेंजेस है। I'm sure within a 1 month सबसे बड़ी चेंज आपकी जो भावनाओं, मेंटल इमोशनल चेंजेस जब आएंगी, जब इमोशनल चेंजेस आ जाए, सोचो कि फिजिकल चेंज इज ए बाउंड टू गेट चेंज, क्योंकि आपका सोच बदल गई, फिजिकल चेंज ऑटोमेटिकली। So this is my humble request, carry on this passion. This is a sort of passion which need to be, और बाकियों को भी motivate करे कि जो कुछ नहीं करना, आप just एक round लगाना, have a look of the fresh air, morning air, आकाश का सबा बढ़ जाए, and see the by simply coming early in the morning in a park will change your परसेप्शन, सोचने का नजरिया बदल। और एक बार सोचने का नजरिया बदला, बहुत सारी चेंजेस, फिजिकल चेंजेस ऑटोमेटिकली, इमोशनल, सब कनेक्टिविटी एक दूसरे से जुड़ी गई है, ये चेंजेस बहुत जल्दी आ जाएंगे। थैंक यू सो मच, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन मेनी अदर थिंग्स। थैंक यू सो मच, लेट्स हैव वन मोर, वेरी गुड क्लैपिंग, इट फुल फिल्स अ वेरी कंप्लीट होगा, एक बार और तेजी से। Yes, wonderful. This is a wonderful. Why I'm saying so? Wonderful. Thank you so much. Thank you so much. आपने जो मैंने सबने साइन दिया और हमने आपके लिए शेयर किया, जब आप क्लैप कर रहे हो तो 5 तत्व
जो सृष्टि बनी, जो मेरा शरीर बना, आपका शरीर बना, पांचों तत्व क्लैपिंग करने से बैलेंस हो जाते हैं। सो पांच तत्व, ये मेरा हाथ, ये अगर मैं अपने हाथ को ऐसे रखूं, आप भी रख सकते हो, तो जो छोटी उंगली जो नीचे रहती है, जो नीचे को है, ये पानी को डोनेट करती है। पानी जो धरती के नीचे रहता है, पानी की प्रक्रिया, पानी की प्रॉपर्टी है, वो सेटल होता है, नीचे सेटल हो जाता है। द वेरी स्मॉल फिंगर डिनोट टू ए वाटर, और पानी के ऊपर जो है धरती, अर्थ, और धरती के ऊपर आकाश, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, और उस आकाश में ये प्राण वायु या हवा, नॉट ओनली प्राण वायु बट मेनी मेनी थिंग्स आर देयर इंक्लूडिंग प्राण वायु। तो ये प्राण वायु एंड प्राण वायु के ये ऊपर जो डिनोट ऊपर को करता है, वो सुपर नेचुरल पावर जिसको हम अग्नि कहते हैं। अगर वेदों में जाएं तो सबसे पहला शब्द ऋग्वेद का अगर है तो अग्नि का जिक्र है। जब हम सर बात कर रहे थे कि प्राणायाम के बात कर रहे थे, ज्ञान मुद्रा भी है, जब हम ज्ञान मुद्रा लगाते हैं तो ज्ञान मुद्रा क्या है, ये फर्स्ट फिंगर जो कि एयर हवा का है, जो आत्मा का रूप है, हमारे शरीर में बसती आत्मा, और ये ऊपर वाला सुपर नेचुरल पावर परमात्मा, जब हम ज्ञान मुद्रा लाते हैं तो आत्मा और परमात्मा का ये वो सुंदर मिलन है, जिसके साथ सिंपल ये मुद्रा करने से भी आपको मोक्ष, दी अल्टीमेट मॉडर्न बॉडी, लास्ट में ये कहते हैं मोक्ष, मेरी डिजायर सारी फुलफिल होगी। आई एम नाउ फुलफिल्ड बाय ऑल रिस्पेक्ट, अभी कोई इच्छा नहीं रही, आई एम कंप्लीट नाउ सेटिस्फाइड। एक एज तक सेटिस्फेक्शन आनी नहीं चाहिए, पर एक मोमेंट के बाद यस अल्टीमेट काम। यदि आपने पांच तत्व याद करने हैं तो फिर से तो नहीं याद हो सकेंगे, भगवान याद रख सकते, भगवान ऐसे भूमि वैसे वैसे भगवान। हाँ, यदि आपने पांच तत्व याद करने, भगवान याद कर लीजिए, उस सीरीज में नहीं याद होंगे लेकिन आपको याद हो जाएगा। एक हवन थेरेपी है, इन्होंने मास्टर डिग्री की हुई है उसमें, तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा हमारा ध्यान बढ़ाए हवन के ऊपर, हवन किस प्रकार हमारे शरीर को लाभ पहुंचाता है और किस प्रकार करना चाहिए, ये थोड़ा सा अगर। चलो मैं बोल देता हूँ, बट मैंने मैंने सोचा था कि मैं आप क्लोज कर देता हूँ। मैं इन्होंने बोला कि हवन, भारतीय विद्या भवन, हवन के ऊपर पहले बता, हवन, हवन हमारे हजारों साल पहले कोई काम करना, कोई ऐसा काम घर में शुरू किया, हवन करते हैं हम, आज भी वो प्रक्रिया चली हुई है। घर में कोई बच्चा पैदा होता तो हवन, जनेऊ, शादी वगैरह, इवन इंसान की लास्ट यात्रा भी संपन्न हवन से होती है। तो हवन, ये तो हमने सुना हवन, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट देखा कि हवन, लेकिन इसका बहुत बड़ा एक साइंटिफिक एक औषधि है, हवन अग्निहोत्रा या होमा थेरेपी, एक ऐसी औषधि जो कि कंप्लीट पांचों तत्व को बैलेंस करती है। रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट, इमर्जिंग एनवायरमेंट चैलेंजेस, उसके अंदर हमारी एक स्टूडेंट ने एक चार्ट पोस्टर दिया, पूरी दुनिया के बहुत सारे लोग जो अग्नि एनवायरमेंट को ठीक करने के लिए, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए आए हुए थे, वो इतने इंप्रेस हुए क्योंकि उसका टाइटल ये था, अग्निहोत्रा इज द ओनली मैकेनिज्म वी हैव फ्रॉम आवर वैदिक नॉलेज टू कंट्रोल टू बैलेंस ऑल द फाइव तत्व।
पॉल्यूशन को, दिल्ली की पॉल्यूशन को अगर कंट्रोल करना है तो अग्निहोत्रा इज द ओनली एंड ओनली मेथड विच वी डू हैव राइट नो. और ये एक इतना रिसर्च्ड प्रोडक्ट है, ये आज का नहीं है, हजारों साल पहले का रिसर्च प्रोडक्ट है. हमने अग्निहोत्रा दिल्ली वालों के लिए स्पेशली बनाया, रेडी टू यूज, एकदम कैसे यूज करना. तो लास्ट का शेल जो था वो गाय के गोबर का बनाया, देसी गाय के गोबर का वो बनाया, उसके अंदर जो सामग्री डाली उसमें 52 चीजें हैं, उन 52 चीजों में से 17 चीजें अरोमा थेरेपी यानी सुगंध देने वाली कड़ी, चंदन, लाल चंदन, श्वेत चंदन, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, ऐसे करके 17 चीजें, 5 चीजें मीठे की डाली और 14 चीजें हमने मेडिसिनल औषधि डाली, स्ट्रॉबेरी, ग्लोए, नीम, ऐसे करके डाली, और 15 चीजें न्यूट्रिएंट डाले, बादाम, चावल, दालें, अखरोट, तिल, सफेद तिल, काले तिल, ऐसे करके डाले. और हम लोगों के पास ऐसे पार्कों में जा जाके लोगों को टेक्निक बताते थे कि हर कोई अगर अग्निहोत्रा करे, इसको करने के लिए यूजली मन के अंदर ये है कि पंडित का अरेंज करना पड़ेगा, ये होगा, ऐसा कुछ नहीं. आप सिंपली 11 बार गायत्री मंत्र, 21 बार गायत्री मंत्र, आपके पास कितना टाइम है डिपेंड करता है. इवन अगर गायत्री मंत्र भी नहीं आता, सिंपली ओम का उच्चारण करने से पूरी जो साउंड थेरेपी है, नाउ इट इज साउंड थेरेपी इज अ वेरी प्रोमिनेंट, स्पेशली फॉर द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए साउंड थेरेपी एंड स्पेशली द ओम टू हैव ए पावर टू क्योर एनी प्रॉब्लम. तो हमने ऐसा किया और बहुत सारी चेंजेस घरों के अंदर चेंज, स्पेशली बच्चे नहीं पढ़ते, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, घर का ऑरा, आभा मंडल, उसमें भी वृद्धि हुई, इतनी ज्यादा चेंज. इवन उसकी ऐश को, जो लोग सालों से कैल्शियम खाए जा रहे हैं फिर भी कैल्शियम पूरा नहीं हुआ होता, अग्निहोत्रा की ऐश की एक चुटकी अगर आप सेवन कर लें तो आपकी कैल्शियम की टैबलेट कुछ दिनों के बाद जरूरत नहीं पड़ेगी. इस अग्निहोत्रा की स्वाह को या ऐश को तुलसी के पौधे को या किसी और पेड़ में आप दे दें, उसका फल, फूल, पत्ते सब चेंज हो जाएंगे. हिंदुस्तान में अभी हम बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सब्जी ऑर्गेनिक फार्मिंग है. लैटिन अमेरिकन कंट्री या साउथ अमेरिका में चले जाएं, दे पीपल यूज टू से होमा फार्मिंग, हवन करते हैं खेतों में, हवन करते हैं, हवन की राख को यूज करते हैं उस फार्मिंग के लिए. और आप ब्लीव नहीं करोगे, उस फार्मिंग का किया हुआ, वेदर इट इज ए संतरा या ये मधुमक्खी का निकला हुआ शहद, का जो टेक्सचर है, टेस्ट है, उसकी लुक है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट की जो क्वांटिटी है वो टोटल डिफरेंट है. कहां से किया? हिंदुस्तान से किया. रशिया के अंदर न्यूक्लियर रेडिएशन की इतनी प्रॉब्लम है, वहां पे ये कहा जाता है कि सुबह उठ के एक चुटकी अग्निहोत्रा ऐश खाना. हिंदुस्तान में भी जहां व्हाट्सएप, इंटरनेट, ये वगैरह, जहां रेडिएशन की इतनी दिक्कत है, हाउ टू कंट्रोल दिस रेडिएशन का इफेक्ट. One single pinch of Agnihotra ash can dilute your effect of this. Abhi recently tsunami Japan mein aayi, 2011. Ek Fukushima rice hai, chawal hai. Fukushima wo jagah jahan pe nuclear reactor Japan ka laga tha, jab wo tsunami aayi to nuclear reactor ko dar ho gaya ki wo phatne wala tha, to unki government ne helicopter ko laga ke samandar se pani uske dome ke upar phenkna shuru kiya. Chalo ji, wo to control ho gaya, lekin wo area mein paddy field hai, yani dhan bahut hote the, to dekha gaya ki us aas paas ka sara area jo dhan thi na, wo sara ka sara effect ho gaya, uska nuclear effect ho gaya. How to control that? तो कंट्रोल करने के लिए, उससे पहले चेर्नोबाइल न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था 1984 में, सेम जैसे इधर भोपाल गैस कांड में हुआ था, वहां भी अपने अग्निहोत्रा के इफेक्ट देखे गए. तो उन्होंने उस चावलों को, कुछ चावलों को अग्निहोत्रा की ऐश के साथ मिक्स करके
सात आठ दिन के बाद जब टेस्ट किया तो देखा गया कि उस अग्निहोत्रा उस चावलों पे जो न्यूक्लियर के जो इफेक्ट हुआ था वो स्लोली ग्रेजुअली वो सारा खत्म हो गया। इट इज नॉट ओनली अस, पूरा वर्ल्ड आज हवन के बारे में चर्चा कर रहा, हम नहीं कर रहे। अमेरिका के अंदर तो मजे की बात है, अग्निहोत्रा यूनिवर्सिटी है, और हिंदुस्तान में आज तक हमारी यंग जनरेशन को हमने पूछा अग्निहोत्रा जानते हो, दे डोंट नो एनीथिंग। माय हम्बल रिक्वेस्ट इज काइंडली अडॉप्ट आवर इंडियन वैदिक कल्चर। घरों के अंदर 5 मिनट लगते हैं, आई सेड 5 मिनट, यू कैन डू इट विद इन 5 मिनट अग्निहोत्रा, इट इज नॉट अ बिग गेम, एंड सी द चेंज देयर एंड देन, दैट डे इटसेल्फ यू कैन सी द चेंज ऑफ योर ओवरऑल ऑरा ऑफ योर हाउस। Thank you so much. Time is over.